पुलिस विभाग में एक पद होता है सर्कल इंस्पेक्टर, वो भी इंस्पेक्टर रंग के होते हैं, लेकिन एक पद क्रिएशन किया गया है सर्कल इंस्पेक्टर जो केसों को देखता है। आज अपने वीडियो के माध्यम से एज इंस्पेक्टर के रूप में हम बताएंगे कि सर्कल इंस्पेक्टर का रोल क्या। आज हम बताएंगे कि सर्कल इंस्पेक्टर एक बिहार पुलिस में होता है या अन्य राज्यों में, सर्कल पुलिस का रोल क्या होता है। ये जब भी थाने में कोई भी जो FIR दर्ज होता है, उस FIR का मूल चार भाग होता है। उस FIR का मूल उसका प्रति कोर्ट में जाता है, एक सेकंड कॉपी जाता है CIA का ऑफिस में, सर्कल इंस्पेक्टर का ऑफिस में, एक कॉपी जाता है SP के पास, चौथा रह जाता थाने में। जो SP के पास जो कॉपी जाएगा, सेकंड कॉपी, उस पर SP जिले का कप्तान, जिले का SSP या जिले का SP उस FIR पर डिसाइड करता है कि ये केस इंस्पेक्टर देखेंगे या केस इसको DSP रैंक के देखेंगे। जो DSP साहब देखते हैं उसको SR केस कहते हैं, स्पेशल रिपोर्ट केस, और जो इंस्पेक्टर देखते हैं उसको कहते हैं NSR केस। यही NSR केस का जो है भाग, सारे केसों को सर्कल इंस्पेक्टर के पास लेटर बना के भेजा जाता है कि आप इस केसों का, आप इस पर पर्यवेक्षण टिप्पणी दें या समीक्षा करें। वो सर्किल इंस्पेक्टर NSR केस को, यानी जो SP जो डिसाइड करते हैं वैसे केसों पर, वो सुपरवाइज करता है और वो सीधा आदेश पारित करता है। सर्किल इंस्पेक्टर पुलिस विभाग में उसको DIG रैंक से तुलना की जाती है। ये इतना बड़ा रैंक है कि उसके NSR केस में फाइनल ऑर्डर SP का लेने के कोई आवश्यकता नहीं है, वो सक्षम है। जबकि जो SR केस का जो DSP साहब जो सुपरवाइज करते हैं, उसका जब तक SP साहब रिपोर्ट 2 में क्लियर नहीं करेंगे तब तक DSP साहब का रिपोर्ट का मान्यता नहीं है। लेकिन पुलिस विभाग में सर्किल इंस्पेक्टर का एक रिपोर्ट, एक समीक्षा का उतना मायना है कि आपके SP साहब उस पर बगैर पिटिशन लिए हुए कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, और अनुसंधानकर्ता सर्कल इंस्पेक्टर का दिया हुआ रिपोर्ट के आधार पर कांड को फाइनल कर सकता है। इसलिए कहा जाता है कि सर्कल इंस्पेक्टर इज द सेकंड DIG ऑफ द डिपार्टमेंट। फिर अगले वीडियो में आपको बताएंगे अच्छी अच्छी बातें एज इन इन्फॉर्म सभी रैंकों में।